जब हम सीट थेरेपी की बात करेंगे, इसमें सुजोग का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो सीट थेरेपी है, इज बेसिकली वन पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ सुजोग। अब आप बोलोगे, कुछ लोगों ने तो सुना होगा सुजोग के बारे में, सुना हुआ है कुछ लोगों ने? अगर नहीं भी सुना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूप्रेशर के बारे में सबने सुना हुआ होगा, राइट? एक्यूपंचर के बारे में हमने सुना हुआ है। दैट मींस हमको ये मालूम है कि बेसिकली देयर इज अ कंसेप्ट कि आप कोई पॉइंट के ऊपर एक्यूप्रेशर बोल रहे हो, तो मतलब कोई पॉइंट के ऊपर आप प्रेस कर रहे हो, राइट? प्रेशर डाल रहे हो। क्यों प्रेशर डाल रहे हो? क्योंकि आप उससे उस एरिया को मसाज कर रहे हो, वहां पर जो पेन हो रहा है उस पेन वो स्टिमुलेंट उसको करके आप वो इशू का को पॉजिटिविटी भेज रहे हो। देयर इज अ सेंस कि आप वो पेन को हैंडल कर रहे हो जब आप वो चीज को प्रेस कर रहे हो। तो अब जब हम इसकी बात करते हैं सीट थेरेपी की, तो हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे सुजोग के बारे में। पहले सुजोग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सुजोग मीन्स सू एंड जोग, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है? सो ये एक कोरियन वो है। तो कोरियन मतलब फाउंडर, हु इज द वन हु डिस्कवर्ड इट, ही वाज प्रोफेसर पाक जेल। तो वो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और सू का मतलब हैंड है, जो का मतलब फीट है। तो सिंपल टर्म्स में इसको एक हैंड फीट थेरेपी भी बोलते हैं। लेकिन सुजो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरीके से आप सुजो को प्रैक्टिस करते हैं, और सुजोग के बहुत सारे लेवल्स हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं सीट थेरेपी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सीट अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ द सीट्स इन एज पर सुजोग थेरेपी। सो आप इलाज किससे कर रहे हो? सीट से कर रहे हो। तो आप वो इसलिए जो सुजोग में आप इलाज बहुत तरीकों से कर सकते हो, आप नीडल से कर सकते हो, मैग्नेट से कर सकते हो, अलग अलग कलर थेरेपी से कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो हम उसको इलाज करेंगे सीट्स, इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव सीट थेरेपी। लेकिन हम इसमें, आपने बहुत बार ऐसे चार्ट्स देखे होंगे, अगर मैं आपको ऐसे चार्ट्स दिखाऊं, आपने कई बार ऐसा देखा हो, राइट? ऐसे हाथ है, हाथ के ऊपर ये पूरे ऑर्गन्स, अगर आप ये देखो तो ये आपके बॉडी पार्ट्स है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है आपके बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं वो आपके हाथ के, राइट? तो अगर मैं, जो मेरा अपनी फिजिकल बॉडी है, उसको मैं एक मिनिएचर वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो जब मैं वो पॉइंट पे जहां पर वो चीज आ रही है, आप फिजिकली वो ऑर्गन पे नहीं जा रहे हो, इट इज लाइक जैसे आपको आज टीवी को ऑन करना होता है तो आप क्या करते हो, एक रिमोट होता है, रिमोट में बटन्स होते हैं, चैनल 1 2 3 4 5 6, ये चैनल इसका है, ये चैनल इसका है, राइट? आप वो जैसे जैसे ही प्रेस करते हो वो चैनल ऑन हो जाता है, राइट? उसी तरह से ये कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम इसको बोलते हैं, इसका मतलब दीज ऑर्गन्स, ये जो प्लेसेस हैं, कॉरेस्पॉन्ड टू दैट ऑर्गन। तो जब हमको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो ये जगह पे वहां पर पेन होगा। तो अरे बच्चों, पेन अलग अलग तरह का पेन होगा, पर पेन जो एक्यूट पेन होगा, जो पेन में आपको रियली फील होगा, तो हम हमारे पास अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं होती है, और ये जो चीजें होती है वो आसानी से कहीं पे भी मिलती है, वाले जहां वड़ा आप बनाने करोगे वहां पे सही नहीं मौसम, रहा, पिछले राइट? दिन तो आप क्या आने करोगे, आपको ये चीजों से प्रेस करना होता है। और फिर फिर जैसे हमारा ये एरिया है, हमको मालूम है ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्या एरिया किसको, अभी एक्सक्यूज मी, जो भी, हु इज, हु एवर इज, म्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर आप बाहर से बात कर रहे हैं। तो ये जो है सुजोग में, आप अगर अपने हाथ को देखो, आपके हाथ और बॉडी में क्या सिमिलैरिटी दिखती है, कोई बोल सकता है हाथ और बॉडी में क्या सिमिलैरिटी दिखती है? सब लोग शांत रहने को सोच के आए आज,
हाँ, अगर आपके मैं हाथ को बोलूं, आपका हाथ और आपका शरीर बॉडी, वो दोनों में आपको क्या सिमिलैरिटी दिखती है? आपका हाथ किस तरह से आपके बॉडी की जैसे दिख सकता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? अंगूठा सिर को रिप्रेजेंट करता है, अंगूठा हाँ, सिर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, सिर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? वो आपका इसके जैसा दिख रहा है, फेस के जैसा? फेस की तरह लगता है। सही है, तो क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर आप अपनी पूरी बॉडी को भी देखो तो आपका सर जो है वो हिस्सा ऊपर रहता है, राइट? है ना, पैर आपके नीचे जाते हैं। हाँ, अगर आप अपने हाथ को कितना भी ऐसा कोशिश करो तो ये चीज जो है आपका थोड़ा ऊपर की तरफ हुई है, राइट? है ना, तो अगर ये यहाँ पे है, अगर ये यहाँ पे होता, कल को यहाँ पे होता, इस जगह पे होता, तो आपकी पूरी बॉडी ही दिखाई देती ना। आपकी बॉडी में कितने आपके, अगर आप प्रोड्यूसिंग पार्ट्स देखे हैं, अगर आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं और आपका ये हिस्सा प्रोट्रूड कर रहा है, तो आपके पांच ऐसे हैं। उसी तरह से आपके ये भी, ये आपके दो पैर हुए। ये दो पैर क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे रखते हो तो ये आपके पैर सबसे ज्यादा टच ये करते हैं, और अगर ये देखो आपके हाथ, दो हाथों के बीच में डिस्टेंस है, राइट? है ना, जितना डिस्टेंस आपके पैर के बीच में नहीं है, दो पैरों के बीच में क्या उतना ही डिस्टेंस है जितना हमारे दो हाथों के बीच में है? आपका ये एरिया शोल्डर ज्यादा ब्रॉड होता है, राइट? आपका जो पैर है वो दोनों काफी नजदीक होते हैं, तो इसके लिए ये दोनों हमारे पैर हैं और ये हमारे टच भी करते हैं नीचे की तरफ। अगर हम उनको किसी भी जगह पे ऐसे खड़ा करें, कोई भी चीज पे हम ऐसे खड़े करें, तो ये दो पैर हमारे टच करते हैं, जबकि हमारे हाथ क्योंकि ऊपर रहते हैं, तो उसी तरह से हमारे ये और ये फिंगर जो है वो हैंड्स, राइट? और ये हमारा मुंह है, राइट? क्योंकि अगर आप इसमें इवन डिविजन्स देखो, डिविजन वाइज अगर आप अपनी बॉडी में देखो, तो आपकी बॉडी में हाथ का अगर आप डिविजन देख रहे हो, तो आपका ये पाम है, इसके बाद आपका ये हाथ है और ये आपका यहाँ पे है, राइट? एल्बो, ये देखो, एक एल्बो हुआ, तो एक एक कोनी हुई, फिर उसके बाद ये और उसके बाद ये, राइट? ये आपका हुआ तरीका है ना। आपके पैर में भी ऐसे ही पैर होता है, ऊपर का थाई एरिया होता है, नी आता है, नी के बाद आपका काफ मसल आता है और फिर आपका एल्बो आता है, तो उसी तरह से। लेकिन हमारा जो सर है, सर में हमारे दो ही डिविजन है, और यूजुअली अगर आपका ये हाथ का देखोगे तो आपका स्टफ, ये जो एरिया है यहाँ पे दो ही है, बल्कि यहाँ पर आपके तीन है, राइट? तो इसके लिए ये हमारा फेस एरिया है और ये हमारा, ये तो हुआ सिंपल बाहर का पेरिफेरी एरिया, लेकिन उसके अंदर हमारे शरीर में तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स का अलग अलग जगह है, उनका अलग अलग एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, राइट? तो उसी हिसाब से हमारे हाथ के अंदर भी वो सारे ऑर्गन्स कैसे फिट होते हैं, वो पूरा सुजोड़ में। सो दिस इज, इसमें अलग अलग तरह के कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम है, जहां पर कि हम फिंगर के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी बॉडी को, हमारे इतने छोटे से एरिया में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ओनली दिस पार्ट, और हम पूरे हाथ के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये मेन कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम हो गया, ये फिंगर कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम हो गया, और ये हमारा मिनी कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम हो गया। इसके अलावा बहुत सारे और कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम है, लेकिन ये तीन मेन कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम हम इसके अंदर यूज करें जब हम सी थेरेपी का ये पढ़ाई करें। ओके, ठीक है। सो जब आप सी थेरेपी के लिए जो मैंने बात की, बहुत तरह के सीड्स होते हैं, राइट? अगर आपके, आप अपने किचन में ही देख लो तो आपके किचन में कितनी तरह के सीड्स दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग रंग के होते हैं, भिन्न भिन्न शेप्स के होते हैं, सब सीड्स एक तरह के तो नहीं होते ना। अगर मैं काली मिर्च को उठाऊं, वो गोल है, उसका आकार गोल है, राइट? अगर मैं किडनी बीन को उठाऊं, जो किडनी, उसको तो नाम ही किडनी बीन है, राजमा, तो वो किडनी के शेप में होता है, राइट?
राइट, ये हमारा राउंड है तो हमारी आंख के अंदर का जो बिंदु है उसकी तरह ये दिखाई देता है, राइट। उसी तरह से हम अगर अपनी नाक को देखें तो हमारी नाक जो है वो क्या ऐसे रोंगटे जैसे नहीं दिखाई देती? मशीन अभी हाँ दिखाई देती है ना, राइट। तो अब बहुत सारे सीड्स हैं जिनका हो सकता है हम रिजेम्बलेंस नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन है कि हम ये भूख लग सीड को अपने इस तरफ पे लगाएंगे तो उसमें तो हमें रही कोई शेप ही नहीं, तो वो क्या ऐसा इफेक्ट कर लेगा? तो इसके लिए पहले हम बॉडी को उसको स्टिमुलेट करते हैं पॉइंट्स को, फिर वो पॉइंट को हम फाइंड करते हैं जो सबसे पेनफुल पॉइंट है। जैसे कि अगर अगर हमारे आज सर में दर्द है तो मैं जब अपने ये हेड एरिया में प्रेस करूंगी लंगड़ा रहे हैं तो वहां पर जब दर्द होएगा, जो सबसे ज्यादा दर्द करेगा उस एरिया को मैं पहले अच्छी तरह से मसाज करूँ, अंदर ओके। तक और खून उसके खींचता है ना बाद ने। फिर वो एरिया के अंदर वो सीड लगाया जाएगा। लेकिन सीड कौन सा लगाया जाएगा, किस तरह का लगाया जाएगा, सो सीड्स में भी अलग अलग टाइम पीरियड होता है, अलग अलग कलर्स होता है। अगर आप जानते हैं तो सीड्स का भी जर्मिनेशन का सीजन होता है, ये जो है फिंगर ये सब, राइट। तो हम कौन सा सीड चूज करेंगे किस, क्योंकि हम सिमिलैरिटी के प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं, राइट। तो जो सीड है उसको हमारे वो ऑर्गन से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा तो बेटर, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ एरियाज के लिए ऐसे सीड्स भी इस्तेमाल करने पड़े जो कि उसके जैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हमको बड़ा एरिया रिप्रेजेंट करना है। तो अगर सपोज हमको मालूम है हमारा लिवर बड़ा है तो वो एरिया में हम कौन सा सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक बड़ा सीड लगाना है। नहीं तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे, अगर मैं अजवाइन के सीड्स लगाने लगूंगी या मेथी के सीड लगाने लगूंगी तो वो इतने छोटे छोटे हैं तो मेरे को तो बहुत सारे लगाने पड़े, राइट। तो ऐसे ये पट्टियां मिलती हैं, ऐसे इस तरह के ये प्लास्टर होता है जो सर्जिकल टेप बोलते हैं, अलग अलग साइजेस की होती हैं। तो हम वो साइजेस में अलग अलग तरह से ये सीड्स को पूरा लगा के उसकी एक पट्टी बनाते हैं, राइट। और जब वो पट्टी बनाई जाती है तो वो हमारे यहाँ पे स्किन पे लगाई जाती है, ओके। और फिर उस जगह को प्रेस किया जाता है जो भी हम पॉइंट को वो कर रहे हैं। ये पट्टी को हम 24 घंटा पूरे दिन भी लगा के रख सकते हैं, कोई हार्म नहीं होता है क्योंकि सीड इज हार्मलेस। लेकिन ये हो सकता है कि ये जो प्लास्टिक की पट्टी है ये गीली हो जाए क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि ये प्लास्टिक की पट्टी सही हमारे है को सूट ना करे तो इसके लिए हमको इसको निकालना पड़े। तो ये वजह से हम उसको निकालते हैं। लंगड़ा लंगड़ा के अदरवाइज चलता अगर फिर हम कुछ करती और काम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही खाली बैठे हैं, तो हम इसको पूरा पहले दिन ही खाके रोकते हीलिंग ही हैं। करूंगी इसके और नेक्स्ट डे फिर आपको वो अलग सीड्स लगाने होते हैं क्योंकि ये सीड्स की कहीं ना कहीं पावर लूज हो जाती है, कहीं ना कहीं वो श्रिंक हो जाते हैं या कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो लिए। एनर्जी हमको वो एरिया के अंदर मिलेगा, राइट। तो हाँ इस तरह से डिस्टर्ब इस जो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम हो रहा है बीच में, हमारा कौन है? है मैडम इनको उसके म्यूट कर अंदर, दीजिए ना, ये एक्सक्यूज तो क्लास मी, का मजा ही यू नहीं आ रहा मे इस तरीके प्लीज से। कीप योर सेल्फ म्यूट इफ यू आर टॉकिंग। तो मेरा तो भी आप इस तरह से इसमें पूरी डिटेल में सीखोगे कि, तो एक तरह से आप अपने खुद के डॉक्टर बन जाओ, तो फायदा अपने ही डॉक्टर नहीं, आप अपने घर वालों ही के, अपने होगा। जो जान पहचान वाले, या हो सकता है कल को आप इस एरिया में और एडवांस करो तो आप लोगों का भी इलाज कर पाओ, एंड यू कैन। तो ये जो सीड्स हैं और ये कोई पवन जी सर, अलका कोई, सिंह मीट हो जाओ, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। सीट्स हाँ सीड्स आपको आसानी से मिल जाते हैं आपके घर के अंदर भी। वी डोंट यूज स्प्लिट सीड्स। स्प्लिट मतलब कि जैसे कि आप अगर मूंग की दाल खरीद ले रहे हो या कोई भी ऐसी दाल है जो कि छिलके वाली टूटी हुई होती है, स्प्लिट होती है, वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसमें आपको सब सिखाया जाएगा किस तरह के सीड्स, किस तरह की चीज, कौन सी डायरेक्शन। अभी जैसे कि ये मैंने अपने हाथ में बताया, ठीक है, ये मेरा जो इंटेस्टाइन एरिया है, ओके।
आप बोलोगे कि इसमें अगर सीड ही लगाना है तो सीड आप कैसे लगाओगे उसको, ऑब्वियसली आपको सीड को वो डायरेक्शन में लगाना होगा क्योंकि ये डायरेक्शन में वो एनस की तरफ जा रहा है। तो अगर हमको कॉन्स्टिपेशन है, अगर हमको कोई चीज को अपने शरीर से बाहर निकालना है स्टूल को, तो हमारा डायरेक्शन हैज टू बी फ्रॉम दिस टू दिस, राइट। लेकिन सेम अगर सीड, अगर आप देखो सीड की एक डायरेक्शन होती है, आपने कभी भी ध्यान देखा है सीड की एक टिप होती है, राइट, वो उसकी डायरेक्शन डिनोट करती है। तो अगर हम उस डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, तो उल्टा का मतलब कि हम जो खाया है उसको पेट में ही रखना चाहते हैं। तो अगर हमको, जिनको बहुत कॉन्स्टेंटली भूख लगती है, कॉन्स्टेंटली उनको खाने का मन करता है, तो अगर हमको पेट हमारा भरा हुआ होगा तो हम नहीं खाना चाहेंगे ना, राइट। तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करके उसको, आपको ओबेसिटी को डील कर सकते हैं उस तरह से। सो सीड्स की जस्ट ये ही नहीं है, आप उसकी क्या डायरेक्शन है, किस सीजन में कौन सा सीड है, किस तरह कलर है उसका, कैसा साइज है, कहाँ उसको अप्लाई करने का है। सो बहुत सारी चीजें हैं, इवन इफ इट इज वेरी सिंपल थिंग, बट यू नीड टू लर्न टू यूज इट, ओके। और अलग अलग सीड्स की बहुत सारी और प्रॉपर्टीज होती हैं। सीड्स के अलावा वी कैन ऑल्सो यूज ट्विग्स ऑफ प्लांट, हम उनके वुड को भी यूज कर सकते हैं, हम उनके लीव्स का पैटर्न होता है अगर आप देखो तो वो फर्न के जैसे लीव्स हैं, उनको यूज किया जाता है, तो उनको काट कर उन जगह पे चिपकाया जाता है। हमारे ये जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड एरिया है उस पे कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड को क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ये तो कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा वर्टिब्रा, मोस्ट ऑफ द पीपल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड की होती है, या कुछ ना कुछ उनके अपर लंबर, अपर एरिया में, लंबर एरिया में, या कहीं थोरासिक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वो उस हिसाब से, तो आप इस कॉम्प्रिहेंसिव सीड थेरेपी से आप जब सीखेंगे तो आप अपने एवरी डे के इश्यूज को ही नहीं, जो आपकी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो एक होती है प्रॉब्लम जो हमको एक्यूट है, मतलब पेन अभी बहुत तेज है, और एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो हमको बरसों से चली आ रही है, बहुत सालों से हमको वो बीमारी है और हम उसका उपचार भी कर रहे हैं, या हम उसके लिए दवाई भी ले रहे हैं, या हम कहीं ना कहीं थक गए, अब हम उसका उपचार भी नहीं करना चाहते। तो वो इश्यूज को भी आप सीड थेरेपी की तरह से डील कर सकते हैं, एंड वर्ल्ड वाइड में सीड थेरेपी इज यूज्ड, इट इज वेरी इफेक्टिव एंड इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। तो इससे बढ़िया थेरेपी क्या हो सकती है, जिस थेरेपी में ना कोई नुकसान है, ना आपको ज्यादा कुछ खर्चा करना है, ना आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है, आप घर बैठे आराम से अपने आप अपना इलाज कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग। लेकिन अब आप क्योंकि हीलिंग मोडालिटी से है, तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि सीड में एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी को अगर आप इंटेंशन से, उस इंटेंशन से लगाओगे विद अ फीलिंग, विद अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो वो सीड आपके लिए मिरेकुलसली वर्क करे, इट विल हैव दैट इफेक्ट। तो एज वी गो हायर इन सुजोक एंड अदर थेरेपीज, सिक्स कीज एंड ट्रायो ओरिजिन एंड ऑल दैट, तो वहां पर इमोशनल एस्पेक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो कंसिडर। सो द प्लांट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बींग, एंड इट इज सेड कि जब ह्यूमन बींग्स को कोई जरूरत है तो द प्लांट विल कम टू हेल्प। So that is what the seed is, the divine gift from God. And we are thankful to Professor Bhagdev who could show us that how to use this seed for our own benefit, right? So how to use it for medicinal purpose, how to use it for getting proper, how to use it for curing, right? So this is what is there. अब जो सीड्स जब हम लगाएंगे, ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में होने चाहिए, वो प्रॉपरली तरह से लगाने चाहिए, दे शुड नॉट बी वेट, दे शुड नॉट बी क्रैक्ड, है ना। क्योंकि अभी जैसे अगर मैं दो आंखों के लिए अपने सीड लगा रही हूँ और मैं वो टूटा हुआ है, तो वो टूटा हुआ ऑब्वियसली नहीं चलेगा,
राइट। सो इस तरह से बहुत सी निटिग्रिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है अगर आपको इस पद्धति को इस्तेमाल करना है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो और आपको उस पॉइंट को, उस सीड को कहाँ लगाना है, कितनी बार उसको पूरे दिन में प्रेस करना है जिससे कि वो स्टिमुलेंट, बिकॉज सीड जो है, देखो अभी सीड आपको लगेगा कि सीड के अंदर तो कोई ताकत ही नहीं, मतलब ताकत इन द सेंस प्रेशर नहीं है, उसका वेट नहीं है, लेकिन उसका वेट नहीं है पर उसके अंदर जो उस जगह पे आपने लगाया है और जब आप उसको कॉन्स्टेंटली प्रेस करते हो तो आप कहीं ना कहीं उससे एक प्रेशर क्रिएट कर सकते, यू आर क्रिएटिंग अ प्रेशर विद इट, राइट। सो इवन इफ इट इट मे नॉट हैव अ वेट बट बिकॉज आप उसको एक कॉन्स्टेंटली प्रेस कर रहे हो, तो ये तो यही नहीं, वी विल बी ऑल्सो यूजिंग मोक्सा एंड ऑल, तो अलग अलग चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो आसानी से मिलती है, जैसे कि आपने ये देखा होगा रिंग मिलती है, तो ये तो मेरे रिस्ट की रिंग है, राइट, ये मैं अपने पूरे हाथ पे कर सकती हूँ, तो जब मेरा ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड एरिया है मेरे पूरे है, तो जब मुझे ये पूरा यूज, इसी तरह से इसमें बड़ी पैर के लिए भी मिलती है, आप पैर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, तो ये तो एक ऐसी चीज है जो हम इस लोगों को एवरीडे इस्तेमाल करनी चाहिए विदाउट हैविंग अ रीजन टू डू इट, इट इज जस्ट फॉर आर हेल्थ बिकॉज वी आर मसाजिंग ऑल आर पॉइंट्स आर ऑल आर बॉडी ऑर्गन्स, राइट। उसी तरह से हमारे को ये थंब पैड मिलता है विच वी हम यूज करते हैं फॉर अगेन फॉर प्रेसिंग, यू नो। सो ये अलग अलग चीजें होती हैं जो हम, जिससे कि आपको जो आपको मालूम है ये आपका हार्ट एरिया है, लंग एरिया है, तो आप उसको वहां पे प्रेस करते हैं तो उससे आप उसको स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं मसाज कर रहे हैं, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स। ऑफकोर्स आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। देन आपको मैंने ये दिखाया जो ये जिमी है विच वी यूज इट, क्योंकि हमको जब पेनफुल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जो भी प्रॉब्लम एरिया है तो हम इसको प्रेस करते हैं, और जहां पर हमको जोर से दर्द होता है तो वी कम टू नो कि देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, ओके। यही इससे आप अगेंस्ट अपने स्टिमुलेट कर सकते हैं, सो यू कैन यूज इट अगेन फॉर मसाजिंग, ओके। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मिलती है, इवन आपको जो रिंग मैंने दिखाई उसके अंदर आपको छोटी रिंग भी मिलती जो कि हम फिंगर्स के लिए ही यूज करते हैं, राइट। ये आपने देखे होगी सुजोग रिंग्स, जो ये जैसे ये छोटी है, और आपने जो इससे पहले आप इसके बाद इससे पहले आपको दिखाई वो बड़ी थी, है ना, राइट, दैट वॉज फॉर होल ऑफ दिस थिंग, है ना, और ये आपका आप एक इसके लिए यूज कर रहे हो, राइट। सो इस तरह से एक मिनट, वेट, लेट मी स्टॉप दिस, आई डोंट वांट, एक मिनट, ओके, राइट, ये आप कर रहे हो यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल, है ना। तो ये आप वैसे भी अपने लाइफ में इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, इवन इफ वेदर यू यूज सीड और यू डोंट यूज सीड, आप इसको एवरी डे में जैसे अपना एक रूटीन बना सकते हो वेयर आप 10 मिनट अपना एक एक मिनट एक फिंगर के ऊपर या अपने इसके ऊपर सुबह के 5-10 मिनट आप इन चीजों पे इस्तेमाल करें, राइट। और फिर ये थंब पैड है जो हम यूज करते हैं, जो अगेन आपको आप देख रहे हो ये यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन को रप्चर कर देगा या आपकी स्किन को फाड़ देगा, इट इज ऑफ प्लास्टिक एंड इट इज समथिंग जो विच इज ओनली क्रिएटिंग द इफेक्ट विच इज क्रिएटिंग द प्रेशर, राइट। सो ये मैंने आपको बताया, उसके अलावा वी यूज दिस जो ये सर्जिकल टेप जो मेडिकल स्टोर में आसानी से मिलती है, जिसके ऊपर के आप फिर सीड को लगाते हो तो सीड इस पे चिपक जाता है, और जब ये सीड चिपक जाता है इसकी पट्टी बनाकर हम उसको वहां एरिया पे लगाते हैं, ओके। इसके अलावा वी ऑल्सो यूज मोक्सा, ओके। ये मोक्सा जो है ये इट इज लाइक अ हर्बल यू नो एक हर्ब, ओके। इसको हम जला के इसमें से धुआं निकलता है, ये छोटे छोटे भी मिलते हैं जो स्टैंड्स के साथ भी आप अपने इस पे लगा सकते हो, या ये इसको तो इससे एक हीट जनरेट होती है, तो ये जो वो पॉइंट है उसके ऊपर
वो किया जाता है, तो उससे वो पॉइंट एक तरह से आपने देखा होगा ना, हम कितनी बार जब हमको सर दर्द होता है तो हम कोई पट्टी लगाते हैं, ठंडी पट्टी लगाते हैं, जैसे कोल्ड का ट्रीटमेंट करते हैं, राइट? उसी तरह से हम स्टीम भी देते हैं कभी अपने बैक को, कभी अपने बॉडी को, राइट? सो दिस इज अ वे यू आर गिविंग द हीट टू द पॉइंट, टू द प्लेस, राइट? तो ये हम इस्तेमाल करेंगे. सो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल करेंगे जो आपको आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन आपको उससे उससे बहुत फर्क पड़ेगा. लेकिन कोई पूछना चाहता है कुछ चीज तो आप पूछ सकते हैं. अफकोर्स आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो आजकल, ऐसे ये भी मिलती हैं जो हम पॉइंट्स के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि ये दीज आर लाइक क्लिप्स, ओके, पर वी विल नॉट बी यूजिंग दिस. ऑफकोर्स इफ यू वॉन्ट वी कैन यूज दैट ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बताऊंगी नहीं, लेकिन बेसिक प्राइमरली पर्पस कलर भी हम कलर पेंसिल्स यूज कर सकते हैं, कलर कोई भी स्केच पेंस यूज करते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन हम इसमें मेन की पहले वो पॉइंट को इससे स्टिमुलेट करेंगे, इनसे करेंगे, अपने जिमी का इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसके बाद हम ये पट्टी का इस्तेमाल करेंगे. उसके लिए पहले आपको कहाँ पे क्या बॉडी का कौन सा पार्ट किधर आता है, आपके हैंड में और आपके फीट में, वो पूरा सिखाया जाएगा, कैसे कौन सा पार्ट कनेक्टेड है, और फिर उसके बाद ये टेक्निक सीखनी चाहिए, और किस तरह के सीड्स आप यूज कर सकते हो, कहाँ पर, किस टाइम पे, किस जगह पे, वो सब. ओके ओके. मैम, मैं तनीषा बोल हाँ रही हूँ, तनीषा बोल रही हूँ मैम। मैम, हाँ जैसे हाँ हमने ये पट्टी लगाई, हमने सीड लगाया, तो कितने टाइम में फर्क हमें दिखने लग जाता है? क्योंकि आई थिंक इसमें थोड़ा स्लोली स्लोली टाइम ज्यादा लेता होगा। नहीं देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजों का फर्क इवन आपके प्रेसिंग से हो जाए, जैसे कि सपोज आपको हेडेक है, ओके, अगर आप उस पॉइंट को अच्छे तरह से आप उसको प्रेस करो, जो पॉइंट आपका हेड को, हेड से रिलेटेड है, या सपोज आपको आंख में दर्द हो रहा है, तो आप वहां पे, आपको मालूम है कि आपकी आंखें दोनों यहाँ पे आती हैं, तो आप अगर वहां पे वो बीच, सपोज मैं रात को ये लगा के सोऊं काली मिर्च, ओके, दोनों तरफ, तो मुझे सुबह ही दर्द ठीक हो जाए, मतलब मुझे 1-2 घंटे में ही उसका फर्क नजर आ जाए. सो इट मैम, इसमें डिपेंड्स आपको क्या प्रॉब्लम है. अगर मैं कोई प्रॉब्लम को ऐसे ट्रीट कर रही हूँ जैसे कि मुझे नी में दर्द रहता है, मेरे को क्रॉन एक्चुअली नी का प्रॉब्लम है, हाँ, अगर आई एम जस्ट सेइंग नॉट मुझको है, लेकिन अगर किसी को है, राइट, तो फिर ऑब्वियसली हो सकता है मुझे 10-15 दिन उसको लगाना पड़े, उसमें उसका असर हो जाए, लेकिन कुछ चीजों का असर इमीडिएट भी हो जाता है, कुछ चीजों का असर थोड़े टाइम में होता है, कुछ चीजों के लिए हमको, जैसे कि मैं जानती हूँ एक लड़की है, उसको बैक का प्रॉब्लम बहुत टाइम से, ओके, तो उसने बहुत एलोपैथिक डॉक्टर को अप्रोच किया, दे फाइनली टोल्ड हर कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी क्योंकि आपको ये, तो आई टोल्ड हर, क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूँ, तो आई टोल्ड हर कि आप वहां पे जाओ एक सुजोक थेरेपिस्ट के पास एंड जस्ट गेट द ट्रीटमेंट डन देयर. तो उसने, सुजोग थेरेपिस्ट ने उनको बोला आपको 1 महीना लगेगा, लेकिन 1-1.5 महीने में आपको रिलीफ मिल जाए, ओके. तो वो स्टार्टिंग में जैसे ही जाना शुरू किया, उसको फर्स्ट 2 दिन में ही फर्क आना शुरू हो गया, लेकिन क्या है, वो चीज को परमानेंटली जाने के लिए इट विल टेक टाइम ना, दैट्स वाई उसने बोला कि 1.5 महीना लगेगा, ओके. तो आप ये बोलोगे 1-2 दिन में, हो सकता है उस टाइम टेम्पररीली आपको रिलीफ मिल जाए कोई चीज से, लेकिन वो चीज को परमानेंटली ठीक होने को इट मे टेक टाइम. मैम, जैसे इसके हाँ अंदर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, किसी के दांतों में दर्द होता है, किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल जो सभी को होती है कभी कभी, तो क्या इसमें इस चीज का भी इलाज है? जैसे किसी को छाती का पेन हो गया, इसमें इस चीज हाँ का भी इलाज है? ऑफ कोर्स साइटिका पेन के लिए, और इनफैक्ट आपके इसके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए तो उसका बहुत इफेक्टिव इलाज है, जैसे कि जो मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ऑफ कोर्स आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मेरा
जैसे ये स्टमक एरिया होता है, हमारा स्टमक एरिया यहाँ पे होता है, उसके बाद ये हमारा इंटेस्टाइनल एरिया है, तो उसका एक पर्टिकुलर जो भी पाथ है पूरा सिखाया जाएगा आपको, और वहां पे आपको वो सीड्स को लगाना होगा, या इवन कलर थेरेपी से भी हम करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आर एम्फेसिस विल बी मोर ऑन द सीड्स। तो वो सीड्स कौन से लगाए जाएंगे, किस डायरेक्शन में लगाए जाएंगे, जिससे कि उसका फ्लो ऑफ द स्टूल हैज टू गो टुवर्ड्स दिस, बिकॉज अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है यहाँ पे, लेकिन आई नो कि भाई एनस है, या फ्रॉम हियर इज द स्टूल विल गो आउट। तो हमारे हिप एरिया कौन से हैं, हमारे साइटिका पेन जैसे आपने कहा, तो ये यहाँ पे जैसे, तो वो अलग अलग जगह पे कहाँ पे कौन सी पट्टी लगानी है, कौन से सीड्स लगाने हैं, कितने दिन तक लगाने हैं, किस समय लगाना है, वो सब सिखाया जाएगा। पर हर चीज में फर्क पड़ेगा, हर चीज में। मैम मुझे और पता है, फर्क तो पड़ता है क्योंकि हमारे घर में इस चीज को बहुत यूज किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं अच्छा यूज ठीक है, नहीं करती, मेरी मदर इन लॉ को मैं खुद लगाती हूँ, कहीं पर कुछ मेथी के दाने वो डॉक्टर टेप पे लगा के चिपका देती हाँ हूँ, वैसे हाँ चिपकवाती है, तो हाँ इसमें तो तो पता आप है खुद असर के लिए क्यों नहीं पड़ता इस्तेमाल करते हो? है। मुझे उस पे विश्वास, मतलब मुझे लगा कि पता नहीं इससे होता ही नहीं होता है, वो मतलब कहती है तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन मैं खुद ये सीखना चाहती थी, तो इसीलिए मैं लेकिन थोड़ा इट इज सा अ साइंस, इट्स नॉट समथिंग कि कि कोई ऐसे ही क्या बोलते हैं, घरेलू इलाज कोई बना दिया हो किसी ने, देयर इज अ प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट, है ना? नहीं, मेरे पास ये देयर इज सारी चीजें सम, जो आपने दिखाई है ना, हमारे घर में सारा चीज है, अंगूठे का हाँ पैड, पैरों का, हाथों के ये रोलर बॉल, ओ वो ओके सारे घर में पड़े हैं, हाँ तो अंगूठी, आपने रिंग दिखाई है, और वो रोलर बॉल तो मैं यूज करती हूँ, और जो ओके आते हैं ना पैड जो इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, हम वो पैड, हाँ भी हाँ मैं नीचे रोज, भी पैड। हाँ वो भी मैं यूज करती हूँ रोज, वो तो हमारे यूज ओके हो, सभी यूज करते हैं उसे। ओके ओके तो ये मतलब जो पार्क प्रोफेसर पार्क देव हैं, वो साइंटिस्ट थे, ही हैज डन लॉट ऑफ रिसर्च, उन्होंने उसको पढ़ा और वो बचपन से उन्होंने किया, फिर जाके उन्होंने 1987 में सुजोक को रिलीज किया, नहीं मैम, उसके कोर्स बाद तो बहुत अच्छा है, 1988 में सीट थेरेपी केम। नहीं मैम कोर्स तो बहुत अच्छा है, मैं तो इसमें इन हूँ, आप मुझे नहीं ये आपको सीख, चाहिए, बिल्कुल इनफैक्ट हम सबको बी योर ओन डॉक्टर, हम जो आप इतनी इसकी मैम दवाइयां फीस और खाते रहते टाइमिंग्स हैं बता बेड दीजिए, के। हाँ इसके कब से शुरू हो रहा है, कितने मंथ का है, और फीस वगैरह ये भी बता दीजिए। वो एक मिनट सर, या मैं एक मिनट उनको बोलती हूँ शेयर करने के हाँ लिए। ठीक है मैम, ओके लेकिन मतलब ये ऐसी चीज है, देखिए आपको एक चीज समझनी चाहिए, कोई चीजों में आपको सर्जरी चाहिए तो ऑब्वियसली आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, राइट? लेकिन जैसे कि हम होम्योपैथी पे डिपेंड करते हैं, उसी तरह से सुजोक इज ऑल्सो द सिमिलर वे अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी विच इज एज इफेक्टिव एज साइंटिफिक एज दैट। ओके और इसमें मेन चीज क्या है, आप कोई भी और चीज में आप कुछ ना कुछ चीज लेते हो, भले होम्योपैथी में भी आप क्या कर रहे हो, आप शुगर बॉल्स ले रहे हो, यू आर डिजोल्विंग इट इन दैट दिस थिंग टिंचर एंड यू आर हैविंग इट, राइट? लेकिन ये एक थेरेपी है जिसमें कि यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग, आप कोई भी चीज कंज्यूम नहीं कर रहे हो फॉर इट टू हैव एनी काइंड ऑफ अ एसोसिएशन विथ केमिकल्स और एनीथिंग विच कैन डेटोरिएट, बिकॉज फाइनली हमारी बॉडी भी डेटोरिएट करती है जब हम उसमें ये चीजों को ज्यादा खाते हैं या लेते हैं। इनफैक्ट हमारे हाथ में एनर्जी पॉइंट्स भी होते हैं, तो जब हम डिसीज की बात ही नहीं है, जब बी फ्लो लो ऑन एनर्जी ऑल्सो, तो भी आप वहां पे सीड्स लगा सकते हो एंड यू कैन फील एनर्जाइज्ड। ओके सो इट्स नॉट जस्ट बीइंग फिजिकली प्रॉब्लम्स, इवन फॉर मेंटल इश्यूज, फॉर योर एनर्जी इश्यूज यू कैन यूज द सीड थेरेपी। कई लोग होते हैं वो बहुत लेजी फील करते हैं, थकावट फील करते हैं, छोटी छोटी थोड़े थोड़े काम में वो थक जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो इवन उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। हाँ जी क्या बोल रहे हैं जयश्री? मैम इसमें हरण या
सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या पूछ रहे हो? अरण्य, हरण्य हाँ, तो वो भी क्योर होता है उसमें। हर्निया, हर्निया बोल रहे हैं क्या? हाँ सॉरी, हाँ हाँ यस मैम। हाँ देखिए, आई विल शेयर विद यू ऑल द डिसीज का क्या प्रोटोकॉल फॉलो होता है, कहाँ पे आपको क्या लगाना है, आप हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने बोला ना, जिसमें आपको सर्जरी की जरूरत है, ऑफकोर्स उसमें आप इसको यूज नहीं कर सकते। कहने के लिए कैंसर एंड ऑल दैट थिंग जो बहुत ही वाइड स्प्रेड होती है, वेयर यू हैव टू यूज अदर थिंग्स, तो आपको मेडिकल फैसिलिटी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन मेडिकल के साथ, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ आप इसको भी यूज करोगे, तो आपको इसमें काफी कुछ बदलाव दिखेगा और जल्दी होगा चीज। हाँ, मैम एलर्जीज होती हैं, एलर्जीज इश्यू ठीक हो जाते हैं? जैसे किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती स्किन है, डिसीज ना। हाँ, हो स्किन सकता डिजीज नहीं, एलर्जी मैम, जैसे किसी को गले में एलर्जी होती है। अब जैसे मुझे एलर्जी है एसी की हवा से, तो है। जहां मुझे एसी की हवा या ज्यादा कुछ आ जाती है, तो मेरी नाक बंद, मतलब एकदम से प्रेशर निकलता है नाक से, या गले में खांसी आ जाती है, गला सूख जाता है। तो क्या इस तरह की डिजीजेस भी ठीक हो सकती हैं? देखो, अभी आपका कोई जो भी ऑर्गन है, सपोज मेरा गला है, गले के अंदर अगर म्यूकस फॉर्म हो रहा है या कोई भी चीज फॉर्म हो रही है, इसका मतलब दैट देर इज समथिंग, सम प्रॉब्लम हियर ना। इट इज शोइंग इन द फॉर्म ऑफ दैट, है ना, राइट? अभी जो जैसे इन्फेक्शन होता है, तो उसमें आपको जैसे नोज से बाहर निकलता है जो भी आपके नोज आपको कोल्ड है, कफ है, तो वो क्या है? इट इज शोइंग दैट देर इज एन इन्फेक्शन इन द बॉडी विच इज टू कम आउट, राइट? है ना? तो आप जब वो ऑर्गन के ऊपर वो करोगे, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो वो ऑर्गन में वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी। ठीक है मैम, ये तो बहुत, मैं फिर इसे करूंगी मैं इसको। हाँ क्या कंचन जी, आप क्या कह रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन कर पाई। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, मिलेगा। अच्छा, और इसमें पिगमेंटेशन के लिए वगैरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्या, जिससे किसके लिए? चेहरे सॉरी। पे पिगमेंटेशन आता है ना, हाँ चेहरे पे आता है पिगमेंटेशन, तो हाँ उसके देखो, लिए अभी कुछ चीजों में बहुत टाइम भी लग सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स कि कोई इश्यू आपको किस वजह से है। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा स्टमक खराब है, अगर मेरे को डाइजेशन का इश्यू है, अगर मेरे को फूड का रिलेटेड इश्यू है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज शोइंग समवेयर ऑन माई स्किन और इट इज शोइंग इन फॉर्म ऑफ दिस थिंग, राइट? तो आप वो जो करेक्ट इलाज है ना, करेक्ट पॉइंट, करेक्ट चीज, क्या उसका रिलेशन है, वो इस हिसाब से आप इलाज करोगे तो ही चीज का फर्क पड़ेगा, है ना? सिर्फ ये सोचने लगा कि नहीं, मेरा फेस है तो मैं फेस पे अच्छा ये लगा देती हूँ पॉइंट तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो फेस में ही तो प्रॉब्लम है, बट वो उसकी उपज कहाँ से हो रही हाँ है, नहीं तो उसका इसके, क्या हाँ कारण है उसके पीछे, है ना? कारण अलग अलग हो सकते हैं, हाँ तो फिर हम क्या उस, मैंने सोच के कि इसको ये हो सकता है, ये हो सकता हाँ है, ये सोच के फिर उन हिसाब से हम लोग बना उसको, वो सीड सीड थेरेपी देंगे, ऐसा ही ना? हाँ क्योंकि इसमें भी कई पॉइंट थेरेपीज होती हैं, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट्स, मतलब सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर नहीं लगाया जाता है, कई और पॉइंट्स जो रिलेटेड होते हैं विद द इशू, उनको भी कंसिडर किया जाता है। कुछ चीजों में ब्रेन पॉइंट जैसे यूज किया जाता है, कुछ चीजों में आपका किडनी पॉइंट हमेशा यूज किया जाता है। तो डिपेंड ऑन नॉट ओनली विद दैट ऑर्गन, जो ऑर्गन पे हम ट्रीट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट जो ऑर्गन उसके साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर इशू, वो भी कंसिडर किए जाते हैं। तो इट इज ओके नॉट, इसीलिए मैंने बोला ना कि भले ही इट इज अ सिंपल थिंग, बट यू नीड टू लर्न। इट इज नॉट समथिंग कि आप सिर्फ सोच लो कि हाँ ठीक है, मेरा फेस यहाँ दिख गया तो फेस के ऊपर मैं ये लगा लेती हूँ पॉइंट, या ओके मेरी आँख आँख कुछ तो कॉमन चीजें हैं जो सिंपल चीजें हैं, जैसे कि अगर हेडेक है तो आपको मालूम है कि आपका हेड का पॉइंट यहाँ है, या आपके मिनी सिस्टम में बहुत से पॉइंट्स निकल के आते हैं जो आप जिन पे ऊपर डील करो, क्योंकि मिनी सिस्टम क्या है, एकदम छोटा सिस्टम है,
जहां आपका पूरी बॉडी एक छोटे से इस पॉइंट पे है, तो यहां पर आपको एक छोटा सा बीज भी आप लगाओगे वो पॉइंट पे तो हो जाएगा, लेकिन जब मैं पूरे हाथ पे लेती हूं तो ऑब्वियसली मेरा जगह बड़ा है ना, तो वो एरिया जैसे कि सपोज मेरा ये लंग्स एरिया है या हार्ट एरिया है तो वहां पे मैं लगा रही हूँ, तो मुझे ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स लगाने पड़ेंगे। सो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स लेते हैं टू अच्छा, फॉर द ट्रीटमेंट टू बी इफेक्टिव। ओके, ये जो सीड्स है, सीड थेरेपी है, सिर्फ हाथों में ही की जाती है या फिर जैसे वो कान के पॉइंट्स, पैरों के पॉइंट्स, सभी जगह कान पे पे? होती है बट दैट इज कॉल्ड एज अर्निकुलर थेरेपी, तो हाँ वो उसके सीड्स अलग तरह के होते हैं, वो इसमें नहीं सिखाया जाएगा बिकॉज ये जो कान होता है दैट इज द शेप ऑफ योर वूम, जैसे कि आप बच्चे को अगर देखो तो हाँ बच्चा ऐसा दिखता है, तो उस तरह से उल्टा। हाँ उसके सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट पतले छोटे अलग तरह के उसके स्ट्रिप्स मिलती हैं सीड की, वो सीड्स उसका जो है पूरा आपको सीखना पड़ता है उसका उसकी उसका ये तरीका अलग होगा, जहां पे क्या ऑर्गन आएगा। यहाँ पे आपको जो सिखाया जाएगा वो आपके हैंड और फीट, तो आपके पैर पे भी आप लगा सकते हो, तो पैर पे हम जब चलते भी हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रेस होता है, तो वो स्टिमुलेंट वैसे भी होता है, प्रेसिंग कंटिन्यूअसली रहता है। प्लस क्या होता है, हाथ को हम बहुत बार यूज करते हैं पर पैर हम पानी में शायद नहीं जाए, हमारे को हाथ किचन में बहुत यूज होता है कुछ ना कुछ बनाने में रखने में तो गीला होता है, तो हो सकता है हम उस टाइम पे नहीं करें, तो ऐसे अलग अलग कभी हम एक हाथ पे एक दिन लगाएंगे, दूसरे हाथ पे दूसरे दिन लगाएंगे, कभी हम पैर और हाथ पे लगाएंगे, तो अलग अलग तरीके सिखाए जाएंगे किस तरह से आप कहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, ठीक राइट। है, ठीक। लेकिन एटलीस्ट आपकी जो कॉमन, जैसे कि हम इवन जुखाम होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, सर दर्द होता है, उस तक छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम दवाई लेते हैं, हम दवाइयों पे आश्रित होते हैं, तो एटलीस्ट आप वो चीजों को तो आप 100% इससे हैंडल कर सकते, हाँ है ना, अच्छा, ये जो हम कुछ स्टमक होने के पेन है। बाद हाँ जैसे हम लोग सीड थेरेपी ले सकते हैं, वैसे कुछ इसके हो ही बाद ना, जैसे कोई कोई प्रॉब्लम आया उसके बाद हम सीड थेरेपी लेते हैं या फिर मेडिसिन्स लेते हैं, तो कुछ हो ही ना, यानी जो हमारा शरीर है वो पूरी तरह निरोगी रहे, उसके लिए भी हाँ कुछ उसमें व्यवस्था होती है? तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि आप कंटिन्यूअसली ये सब चीजों को यूज कर सकते हो ना, ये अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये चीजों को यूज करो, है ना, हाँ, ये चीजों को यूज करो रेगुलर ओके बेसिस पे, फिर ओके उसके अलावा आप मोक्सा को यूज कर सकते हो, राइट, और उसके अलावा आप इवन आपके ये क्लिप्स को यूज कर सकते हो, राइट, अच्छा उसके अलावा आप सीड्स को एनर्जी पॉइंट्स पे यूज कर सकते हो, जो आपके एनर्जी पॉइंट्स में सिखाऊंगी, जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिससे कि आपका आपको कभी भी थकावट नहीं महसूस हो, क्योंकि क्या होता है बीमारी कभी आती है जब हम कोई चीज को या तो ओवर भी यूज कर लेते हैं कभी कभी, है ना, हाँ हम कई बार बहुत खड़े रहते हैं, तो खड़े रहते हैं तो हमको वेरिकोज पेन्स भी हो सकते हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, या हमारी आ, आ, सोने का तरीका या खाने का तरीका, ये सब चीजें भी उनसे भी फर्क पड़ता है, तो सिर्फ ऑफकोर्स ये सोचना कि सीड लगाने से ही असर हो जाएगा वो, उसके अलावा हमको अपनी डाइटरी और चीजों पे भी फर्क लाना पड़ेगा, जैसे कि अगर मुझे ओबेसिटी है और मैं सोचूं कि मैं सीड्स लगा के ठीक है मेरा मोटापा कम हो जाएगा, भूख कम कर सकती हूँ मैं, है ना, बार बार जो भूख लगने की आदत है उसको कम कर सकती हूँ, लेकिन जो मोटापा ऑलरेडी है उसके लिए मुझे वॉक भी तो करना पड़ेगा ना, एक्सरसाइज भी तो करनी पड़ेगी, राइट। मैम, हाँ इसमें हम मैम, लोग डायबिटीज, किसी को ठीक है, ब्लड थैंक यू, रिलेशन इन एनीमिया किसको? रहती, एनीमिया, B12, ये सब भी क्योर होता है उसमें सब, हाँ, कैल्शियम का होता और ये है, सब? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन अगेन आई विल से कि आपका ब्लड रिपोर्ट में, सॉरी, आपके जो भी ब्लड रिपोर्ट या जो भी आपका मेडिकल रिपोर्ट है उसमें अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो डिटेक्ट हुई है जिसके लिए आप ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच गए हो जहां पे आपको वो दवाई लेने की जरूरत है, तो थोड़े टाइम आप वो दवाई को लेना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट से कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की मैं दवाई लेती हूँ तो मैं अपने ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं सीड थेरेपी कर रही हूँ, ओके, हाँ
तो आप अपना ब्लड प्रेशर का जो भी दवाई है उसको कंटिन्यू रखिए, उसके साथ साथ ये थीप थेरेपी को करिए, और थोड़े टाइम में आपको उससे फर्क पड़ेगा, तो आपका डोसेज कम हो सकता है ना, और थोड़े टाइम बाद शायद ऐसा हो कि आपको कुछ चीज लेने की जरूरत भी ना पड़े, राइट? जैसे अगर थायराइड है, अगर मैं थायराइड के लिए ले रही हूँ ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली मुझे वो दवाई लेनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं सर डॉक्टर मैं कल से सी थेरेपी कर रही हूँ, अब मैं आपकी दवाई को छोड़ रही हूँ, राइट? फिर तो वो आपका नुकसान ही होगा ना, क्योंकि आप एक चीज पे पहुंच गए हो जहां पे वो एक क्रिटिकल लेवल पे है, यू हैव टू टेक अ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर दैट, है ना? आई हैव वन क्वेश्चन. हाँ हाँ बोलिए। जैसे पीरियड्स में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है लोगों को, किसी को फाइब्रॉइड है या कुछ है, तो उसके लिए भी कुछ है कि जैसे इंस्टेंटली ब्लीडिंग कम कर सकते हैं या कुछ? हाँ आप कर सकते हो, पर मैं यही बोलूंगी डोंट टेक दीज थेरेपीज एज समथिंग एज इंस्टेंट थिंग्स, यू नो कि भाई आज मेरे को फटाक से ये चीज को खत्म करने का। ट्रीट दीज थेरेपी एज समथिंग जो आपको, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे को जब मैं ट्रैवल करती थी आई यूज टू हैव मोशन सिकनेस, तो हमेशा मैं वॉमिटिंग करती थी एंड आई यूज टू हैव दैट प्रॉब्लम, ओके? फिर मैंने एक्यूप्रेशर सीखा एंड आई स्टार्टेड प्रेसिंग ऑन रेगुलर पॉइंट्स एंड ऑल द थिंग एंड डूइंग दिस थेरेपी। आफ्टर दैट इट बिकेम कि मैं अब जब जाती हूँ आई डोंट फील, राइट? सो हर चीज को यू शुड फर्स्ट ट्राई इट, डू इट फॉर सम डेज, है ना, नहीं, टू मैं वही सी पूछ रही हूँ कि इफेक्ट। ऐसा कुछ आप बता सकते हैं, लाइक यू नो आई एम आस्किंग फॉर समबडी, वो काफी ट्रबल होते हैं हैवी ब्लीडिंग से. ऑफ कोर्स शी हैज वूम ट्रबल्स, लेकिन इज देयर समथिंग लाइक जो यू नो थोड़ा सा वो स्टार्ट कर सकती हैं साथ बाय यू नो साथ साथ? नहीं, आई विल हैव टू व्हेन व्हेन शी जॉइंस देन आई यस ऑफ कोर्स आई कैन टेल हर, इट्स नॉट ऑलराइट, लाइक दैट, बट अभी मैं ऐसे आपको इस तरह से नहीं बता पाऊंगी कि है ओके, नो ना, प्रॉब्लम, राइट? थैंक यू. और किसको क्या, जयश्री ये हो गया, वेनकोज हो गया है, कंटिन्यू वेन आपका और हो ये गया? बहुत सारी बीमारियां रहती है, नसों का कमजोरी ये भी होता है इसमें क्या? देखो दूसरी चीज क्या होती है ना, जब हम टीसीएम सीखते हैं या हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो हम बॉडी के ऊपर करते हैं, है ना? तो बॉडी तो पे करना कई जगह पे हमारे लिए मुश्किल होता है, कई जगह पे हमारा हाथ नहीं पहुंचता है ना? लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे कोई चीज को बैक को करना है तो मैं ऑब्वियसली अपने आप नहीं कर सकती कुछ चीज, लेकिन जब हम हैंड के ऊपर वही चीज को प्रोजेक्शन करते हैं, फीट के ऊपर करते हैं, तो हम आसानी से वो जगह को मसाज कर सकते हैं, है ना? मसाज से ही तो क्लियर वी होता है. आर डूइंग द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम, सो हम वो जगह, सपोज मेरे हाथ में आज पेन है, ओके? अब मेरे हाथ में पेन है, ऑब्वियसली मैं इस जगह पे करने में मेरे को तकलीफ हो रही है, अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पे कर रही हूँ, ओके? तो मैं वो चीज को ज्यादा आसानी से कर सकती हूँ, राइट? है ना? जी सो समटाइम्स द लोकल थिंग, जैसे कि सपोज मुझे वहां पे चोट लगी है या कोई ऐसी चीज है, द लोकल थिंग यू मे नॉट बी एबल टू डू इट, बट जब आप अपने हाथ या फीट पे उस चीज को ट्रीट करते हो तो यू कैन डू इट, है ना? ओके, थैंक यू मैम. मैम आप राइट? बता दीजिए वो क्या और कितना हाँ कोर्स क्या है वो. हाँ एक मिनट रुकिए, जस्ट लेट मी कॉल अप नेहा, यहाँ पे एक मिनट, जस्ट कॉल हर अप।
ओके, एक मिनट, जयश्री आपको कुछ पूछना नो मैम, नो बस। हो गया ना आपका? हाँ ओके, सो बेसिकली एक मिनट, दिस कोर्स वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट बाय 27th ऑफ दिस मंथ, ओके, एंड द टाइमिंग्स विल बी, इट विल बी 11 o'clock, और डेज जो है वो है, एक मिनट, मंडे एंड सैटरडे, ओके, सो ये 1 महीने का कोर्स है, सो देर बी 8 क्लासेस, ओके, और उसके अलावा जो आप फीस का बात कर रहे थे, व्हाट आई हैव, जो हम आपका होता है फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स, इट इज 2107, एंड फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट इट इज 1579, राइट? ठीक है, आई होप दैट वो आपका जो कोई पूछ रहा था उनको, तबिशा, आपको उसका वो मिल गया है, राइट आंसर? ठीक है फिर, ओके, सो वी विल मैम एंड फीस क्या द, बताई? फीस फीस हाँ, जो फीस है वो है 2107 फॉर न्यू पार्टिसिपेंट, एंड फॉर एक्सिस्टिंग पार्टिसिपेंट है 1579, 1 महीने का कोर्स है, तो 1 महीने का फीस जो है फॉर एक्सिस्टिंग पार्टिसिपेंट है ₹1579। मैम, इसमें और कितने लेवल्स रहेंगे फिर आगे? नहीं, इसके अंदर देखो, अभी एक्चुअली अगर आप हायर लेवल्स करते हो सुजोग के, वो तो 6 की एंड ऑल, वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट मेजोरिटी ऑफ योर थिंग जो है वो आपको इसमें सिखा दिया जाएगा। क्योंकि एडवांस भी इसमें अच्छा रहता है उसमें सीखने को। हाँ, एडवांस अच्छा रहता है, लेकिन दैट वी विल डू वंस आप, एक ही एक और लेवल हो सकता है इसके अंदर, बस उसके अलावा नहीं। हेलो मैम, हाँ, प्लीज अभी बता सकते हैं क्या थकान के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं देखो, आप ऐसा है, नहीं, आई हैव टू, जैसे कि हमारे, एक मिनट रुकिए, आपके दिख नहीं रहा है, वो नीचे है वीडियो, या प्लीज ऐसे आपके, हाँ, आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, उसके बाद यहाँ पे, ऐसा हमारा एक पूरा चार्ट बनता है, ओके, तो जैसे कि एक पॉइंट हमारा यहाँ होता है, फिर उसके बाद, बिकॉज वो मेरे को आपको प्रॉपरली सिखाना पड़ेगा कि आपके, तो वहां पे आपको वो ये काली मिर्च का हम लोग लगाते हैं, ओके। है ना? एक मिनट रुकिए, इफ आई आई एक थिंक, एक मिनट, आप उसमें आपको दिखाती हूँ। मैम कलर थेरेपी से दिखा दीजिए ना उसमें। नहीं, इसमें हम कलर थेरेपी नहीं, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, नहीं, वो जो वीकनेस है आप जो बोल रहे हो कि इसमें कलर थेरेपी भी आप सिखाएंगे ना? नहीं, कलर से भी आपका बोले ना कि कलर से भी करेंगे हम लोग। मैंने बोला कलर से भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके ये सीट थेरेपी है ना, कलर ऑफ द, जो मैं सीट की बात कर रही हूं, कुछ चीजों पे आपको मैं कलर सिखाऊंगी, जैसे ये है, देखिए ये आपका एनर्जी, आई डोंट नो, अभी आपका, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं पॉइंट्स? नहीं नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख देखो, रहा। आप दिख रहे हैं?
अभी आपको दिखाई दे रहा हाँ अभी दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ तो ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पॉइंट्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, राइट? ये आपका इस तरफ का हाथ जो है, राइट? आपके यहाँ देखिए, इसमें यिन और यांग होता है, तो ये पीछे की तरफ जो है और ये आगे की तरफ है, राइट? तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसके सेंटर में, राइट? दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, और उसके यस बाद यहाँ, ये पॉइंट, राइट? सो अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे यहां से लेकर यहां तक, तो उसके अंदर 1, 2, 3 इक्वी डिस्टेंस, ओके? तो ये जैसे कि आप यहाँ पे काली मिर्च लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, राइट? उसके बाद आप ये लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ करो, ओके? है ना? तो यहाँ पे आपका जो हैगा, आप यहाँ पे इधर लोगे, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, और ये एक सेंटर लोगे और एक यहाँ पे लोगे, लेकिन ये आपको जो ये सेकंड पॉइंट है आपका लेना है, वो आपको ये दोनों के बीच का नहीं लेना है, बल्कि वो आपको इसके, ये अगर आप 3 भागों में डिवाइड कर दो, तो ये भाग आपका इसके पास है, ओके? उसी तरह से जो ये 4 नंबर पॉइंट है, वो अगर आप 3 से 5 तक में डिवाइड करो, तो 4 नंबर जो है वो अगर 3 भाग में है, तो 4 नंबर 5 के पास है, ओके? तो उस तरह से आप, ये इस तरफ है, और उसी तरह से आपके बैक साइड में, दैट इज आपका यहाँ पे, पर यहाँ पे 6 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे 7 पॉइंट्स, तो ये एनर्जी पॉइंट है, बेसिक एनर्जी पॉइंट्स। यहाँ पर आप सब पॉइंट्स में, या आप 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट पे आप ऐसे लगा के रोज रख सकते कौन सा सीड लगाना हो। चाहिए वहां पे? कौन काली सा मिर्च सीड बोला लगाना? मैंने, काली मिर्च। ओके थैंक ओके? यू। उसी तरह से आप जो है पैर में भी हमारे होते हैं, ओके? ये जरूरी नहीं है कि आपको दोनों पे ही करना है, आप एक तरफ कर सकते हो, दूसरे दिन दूसरी तरफ, पीछे की तरफ कर सकते हो। ओके थैंक यू। ये जो पैर में जो था वो प्लीज दिखाइए वापस। पैर का जो था वो ये आपका पैर का ऊपर का हिस्सा है ना? आपका जो थंब है, पैरों का जो थंब है, थंब के नीचे जो हिस्सा है, वहां पर ओके पॉइंट है, थंब और के जो नीचे। है ये आपके 2 फिंगर्स इधर लो और 2 फिंगर्स इधर लो, तो इधर का जो हिस्सा है उसके अंदर आप कर रहे हो, ओके मतलब पैर और में ये भी हम, ऊपर के साइड और जो पीछे नीचे का हाँ साइड है दोनों ये जगह पे देखो, लगा ये सकते। देखो, वो हाँ, दिख नहीं रहा है वो। ठीक है मतलब पैर के ऊपर और नीचे के दो साइड, दोनों साइड लगा सकते हैं दोनों पैरों में, हाँ राइट? दोनों हाँ में लगा सकते हो, या आप एक तरफ एक टाइम लगाओ, दूसरे दिन तो आगे की तरफ लगा लो, है ओके ओके ना? क्योंकि ये यिन और येन का कंसेप्ट मैं उसमें समझाते हैं हम लोग, कि कौन से क्या उसका मतलब है, और उसके हिसाब से इन इस साइड्स को दोनों हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है? ओके ओके थैंक ठीक है, फिर किसी यू और को कुछ पूछना है? ओके मैम। हाँ, मैम पैरों में सूजन आती है उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी आपको पानी, वाटर रिटेंशन हो रहा है कि क्या है, किसकी वजह से सूजन आ रही है? आप बहुत टाइम खड़े रहते हो, आपके किस पार्ट में सूजन आ रही है, एंकल एंकल के के इधर पास। सूजन है कि एंकल आपके, हाँ एंकल हाँ तो अभी वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो, इशू,
लेकिन आप बेसिकली पैर को जो है अच्छी तरह से उसको प्रॉपरली मसाज कर सकते हैं, और उसके बाद जो पैर है आपके यहाँ पे कहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं बताओ। पॉइंट पे, फिंगर पॉइंट पे, नहीं, आगे का पार्ट्स में, जैसे कि हाँ ये ऊपर टॉप जो में, हमारे टॉप पैर में, है ना, टॉप राइट में. है ना, अब उसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपको कौन सा लेफ्ट और राइट किस बेसिस पे लेने का, कौन से हाथ पे लेने का, क्योंकि हमारे दोनों हाथ हैं, राइट। अभी हाँ हमारे दो पैर हैं तो हमको राइट वाला किस हाथ में लेने का, वो सब सिखाया जाएगा, राइट। फिर आपको ये लेने का कि ये लेने का, ये तो दोनों पैरों के हैं, राइट। तो उस हिसाब से आपका जो कौन से जॉइंट्स हैं ना, अभी जैसे कि ये हमारे जो बॉडी को टच करता है, ये हमारी बॉडी, तो हमारे जो बॉडी को टच कर रहा है तो ये हमारा ऑब्वियसली थाइज हुआ है ना, क्योंकि ये आपके हिप एरिया है, तो यहां से आपका बॉडी, पैर दोनों शुरुआत हो रही है, तो आपके थाइज हैं, तो आप जब नीचे की तरफ जा रहे हो है ना, तो आप पहुंच रहे हो ये एरिया में जो कि आपका फीट का एरिया है ना, तो वो फीट के एरिया में ये साइड पे ये साइड पे उस हिसाब से आपका कौन सा पैर है, मिनी सिस्टम में आप ड्रॉ कर सकते हो पूरे पैरों को यहाँ पे, उस हिसाब से आपका वहां पे किया जाएगा, राइट। पर इट इज नॉट समथिंग के अभी जैसे कई बार हमको कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं टू सी के क्यों हमको कोई चीज मिली, राइट। सो वी विल नो के व्हाट इज द नाल फंक्शन है ना। खड़े होने से को किडनी पे रहता है क्या? किडनी पे असर होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि खड़े होने से किडनी पे प्रेशर होता है, कुछ होता है, पर आई एम जस्ट सेइंग फॉर वाटर रिटेंशन या पानी, अगर आपको कुछ आपका सूजन हो रही है, सो वन ऑफ द रीजंस कैन बी दैट है ना। ओके okay. ठीक है, 27 को चालू हो रहा है ना मैम? ओके हाँ जी, ठीक है, चलो, थैंक यू मैम. थैंक यू, ओके, थैंक यू एवरीवन, चलिए, अच्छा, थैंक यू। थैंक यू.